हमीरपुर जिला में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है और पुलिस के हाथ सभी मामलों में खाली हैं। ताजा मामला नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 का है, जहां शातिरों ने दिन दहाड़े एक घर से करीब 3 लाख के कीमत के आभूषण सहित 40,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। हमीरपुर के वार्ड नंबर 3 में चोरों ने आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया है। जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया है, उससे लगता है कि वो घर में रखी चीजों से भली भांति परिचित थे। चोरों ने घर में रखे आर्टिफिशियल ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया और लैपटॉप, LED समेत अन्य महंगे उपकरणों को भी नहीं चुराया। चोरों ने चोरी को अंजाम देते हुए ना तो घर में लगा ताला तोड़ा और ना ही कोई अन्य तोड़फोड़ की। चोरों ने हाईटेक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए दरवाजे की कुंडी को खोला। घटना के बाद घर के मालिक सेवानिवृत्त कृषि उपनिदेशक रविंद्र शर्मा ने पुलिस को सूचना दी। बता दें कि जिस घर में चोरी हुई थी, उसके साथ लगते दो घरों में भी कुछ महीने पहले चोरी हुई थी, लेकिन घर और आस पड़ोस में CCTV कैमरा ना लगे होने के कारण पुलिस के हाथ अभी भी दोनों मामलों में खाली है। DSP हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल ने बताया कि घर और आस पड़ोस में CCTV कैमरे ना लगे होने के कारण पुलिस को इस मामले में कोई लीड अभी तक नहीं मिल रही है। इसके अलावा शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच भी शुरू कर दी है। सदर थाने में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार जी ने बताया कि वो सुबह जो थे अपने ऑफिस के लिए निकल गए अपने वाइफ के साथ, और किसी ने पीछे से आके जो है दरवाजा बिना ताला तोड़े जो है दरवाजे की कुंडियाँ तोड़ के अंदर घुसे हैं, और जो जेवरात हैं उसमें डायमंड, सोने की अंगूठियाँ वगैरह भी हैं, तो वो चोरी किया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हम सारे जो पहलू हैं उन पे जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।